Sanam Teri Kasam actor Harshvardhan Rane will be seen in the short film titled Khamakha, which was launched in the presence of many celebrities. At the launch of the film, he was recalling his early days in Delhi that how he learned English during his struggling days. कि मैं ग्वालियर से भाग के 16 साल की उम्र में दिल्ली गया। वहाँ मैंने हर तरह का काम किया। सबसे पहले PCO में काम किया, क्योंकि आप जब घर से भागते हो तो सबसे पहले आपको खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, जो मेरे पास थी नहीं। तो मैं जब भी किसी के पास जाता था, कोई भी बड़ा मिलता था, मैं कहता भैया मुझे कोई भी काम करना है, कोई भी काम मुझे मिल जाएगा, तो वो कहते थे इंग्लिश तो तुम्हें आती नहीं। तो ये जो लाइन थी, ये मेरी तरफ कई बार आई और कई लोगों ने मुझे लाइन बोली, तो वो मेरे को काफ़ी खलता था। लेकिन फिर मेरा इस तरह का कुछ सोचना है कि अगर आपको कुछ लोग किसी राह की तरफ आपको भेज रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो उसे सीख लो बजाय कि उससे फाइट करो। तो मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग क्लासेस के बारे में चेक करना शुरू किया और मुझे पता चला कि वो 15,000-20,000 इस तरह की महंगी महंगी क्लासेस थी जो मैं कर नहीं पाई। तो मैंने फिर एक तरीका निकाला, मैंने कॉल सेंटर्स उस समय पे आए हुए थे, तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किए। एक महीना कॉल सेंटर आपको ट्रेन करता था, तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने ट्रेनिंग करता था कंप्लीट और मैं छोड़ के चला जाता था, दूसरे कॉल सेंटर ज्वाइन करता था। इस तरीके से मैंने कुछ 15-20 कॉल सेंटर मैंने ज्वाइन किया। इससे मेरी थोड़ी बहुत आज की तारीख में इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है, आज भी पैदल है, लेकिन काम चला लेता हूँ मैं, उतनी हो गई है। द इवेंट वॉज अटेंडेड बाई RJ एंड TV होस्ट प्रीतम सिंह एंड एक्टर श्रेयस तलपड़े। Harsh has signed a film with Bijoy Nambiar in which he will share screen space with South actor Dhanush. Anis reports.